यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन में मैक्सिमम बच्चों को सीट्स मिली, लेकिन बच्चे बहुत सारे ऐसे थे जो अपनी जो सीट्स उनको मिली है उससे खुश नहीं थे और वो जानना चाहते थे कि मैम इससे बेटर सीट हमें मिल सकती है और अपग्रेडेशन में क्या चांसेस है। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली और वो लोग परेशान थे कि मैम हमें हमारा क्या एडमिशन होगा, डीयू में क्या पॉसिबिलिटी है। तो मैं आप सभी लोग को एक गुड न्यूज देना चाहूंगी। गुड न्यूज ये है कि बच्चों आप लोग के फर्स्ट राउंड में 59,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया है, बची हुई सीटें वेकेंट है, यानी कि सेकेंड राउंड डेफिनेटली होने वाले, सेकेंड राउंड में चांसेस भी हैं और ऑब्वियसली नंबर ऑफ सीट से थोड़े से ज्यादा बच्चों का एडमिशन जो है अलॉट किया जाएगा ताकि कैंसिलेशन कम हो। सो यस, यू हैव अ स्ट्रांग चांस टू गेट सीट इन सेकेंड राउंड ऑफ योर दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन। और साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी जिनको सीट ऑलरेडी मिल चुकी है, अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपका कल सुबह 10 बजे ओपन होने वाला है और परसों 5 बजे तक के लिए, शाम 5 बजे तक के लिए आपके पास ऑप्शन होगा। तो बहुत ही ध्यान से अपनी चॉइस फिलिंग कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई और कॉलेज मिलता है तो आपकी ओरिजिनल सीट जो अभी की है वो आपकी क्या कहता है रिमूव हो जाएगी और जो नई सीट है आप लोगों को वो मिल जाएगी। अगर नई सीट नहीं मिलती है तो आपकी ओरिजिनल सीट आप लोग रिटेन करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और कोई डाउट है तो आप लोग बच्चे कमेंट करके बताइए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशंस।